हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी फीचर। दोस्तों, मूवी फीचर में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ आपको एक न्यूज़ बताने के लिए। एक नई मोबाइल लॉन्च होने वाली है, उसके फीचर बताने के लिए मैं आपको एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ आपके लिए। और इस वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि एक वीवो की नई मॉडल है, जो वीवो Y25 जो लॉन्च होने वाली है। तो मैं दोस्तों आपको उसके बारे में बताऊंगा कि उसका फीचर क्या है, इसके स्पेसिफिकेशन क्या है, और बाकी जो कैमरा रैम जो भी है, और मैं अपना रिव्यू बताऊंगा कि क्या ये मोबाइल परचेस करने लायक है कि नहीं है। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ सब्सक्राइब मी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर क्लिक करेंगे आप तुरंत सब्सक्राइब हो जाएंगे। आपको इससे बेनिफिट होगा, आपको नए नए जो मोबाइल आएंगे लॉन्च होने वाले हैं उसके स्पेसिफिकेशन में आपको ओरली बताऊंगा, और साथ साथ में अपना रिव्यू और ओपिनियन भी आपको बताऊंगा, और साथ में ही जो भी व्हाट्सएप फेसबुक के ट्रिक्स और टिप्स होंगे मैं आपको शेयर करते रहूँगा। तो दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये एक नया मोबाइल जो है लॉन्च होने वाली है, वीवो Y25। तो वीवो Y25 मैं आपको बता दूं कि ये मार्केट में 7000 से 7.5 हज़ार की रेंज में आने वाली है। और ये खासकर वीवो ने 4G हैंडसेट लॉन्च किया है, और इसका मेन मोटो यही था कि सस्ते रेंज में 4G हैंडसेट लॉन्च करने के लिए। हालांकि वीवो की इतनी सस्ती मोबाइल नहीं होती है, वीवो की स्टार्टिंग की मोबाइल होती है 6-7 हज़ार की होती है, तो इन्होंने 7 हज़ार में ही 4G हैंडसेट लॉन्च किया है। तो आइए मैं ये बता दूँ, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि इसमें क्या क्या है, इसका डिस्प्ले कितना है, रैम कितना है, कैमरा क्या है, बैटरी कितनी है, प्रोसेसर क्या है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप moviefeature.com पे आ सकते हैं, वहाँ पे आपको और भी डीप में डिटेलिंग मिल जाएगी। साथ में लेटेस्ट मोबाइल जो होंगे लॉन्च होने वाले हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, रिव्यू मिलेंगे, और जितने भी ब्रांड्स हैं उनके मोबाइल यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे आपको। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन है इस मोबाइल के। सबसे पहले मैं अगर डिस्प्ले की बात करता हूँ तो इसमें 4.5 इंच डिस्प्ले है, जो कि काफ़ी छोटा है, और हैंडली भी होगा, छोटा है तो हैंडली होगा। ये उनके लिए है कि जो ये साइड से सेकेंड फ़ोन रखना चाहते हैं 4G के लिए, तो उनके लिए सही है कि आप 4.5 इंच का एक छोटा सा मोबाइल ले लीजिए 4G सिम के लिए, तो आप इसमें यूज कर सकते हैं। और इसमें मैं बता दूं कि इसका रिजोल्यूशन काफ़ी कम है, 480 से 854 का है, 288 PPI पिक्सल डेंसिटी है इसमें। और इसमें आप देख सकते हैं कि एंड्रॉयड लॉलीपॉप लगा दोस्तों, तो ये बहुत ही पुराना एंड्रॉयड है, आप सब समझ सकते हैं कि 2 साल पुराना है, क्योंकि मार्शमैलो आ गया है, नोबट आ गया है, तो ये आ गया है, इसमें लॉलीपॉप है अभी, तो ये बहुत पुराना है, पता नहीं इन फ्यूचर ये अपडेट होगा कि नहीं होगा। इसमें सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये है कि 16 GB इसमें इंटरनल आपको मिलेगी, 16 GB इंटरनल होगा, 1 GB रैम होगा, और 256 GB तक इसमें आप बढ़ा सकते हैं। चिपसेट इसका MT का 6580 का है, जो कि थका हुआ है, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं है। और इसमें क्वाड कोर का 1.3 GHz का लगा हुआ है प्रोसेसर। अगर बात करते हैं USB की, तो इसमें OTG सपोर्ट करता है, और 5 MP का इसमें प्राइमरी कैमरा है, और सेकेंडरी कैमरा 2 MP का है। तो अगर कैमरे की क्लैरिटी क्वालिटी की बात करते हैं, तो दोस्तों इस मैं आपको बता दूं कि मेरे पास एक Y21L रखा हुआ है वीवो का, वो भी सेम इसी कॉन्फ़िगरेशन का है, 5 MP का कैमरा है, बट कैमरे की क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है, 5 MP का कैमरा काफ़ी अच्छा है, और 2 MP का जो सेल्फी कैमरा है वो भी काफ़ी अच्छा है, आप एक नॉर्मल अच्छी सेल्फी ले सकते हैं इससे वो भी। और साथ में इसमें बहुत ही सारे ऑप्शन दिए हैं कैमरे में, जिससे आप और भी इमेज की क्लैरिटी को इन्हांस कर सकते हैं। अगर बात करते हैं नेटवर्क की, इसमें डुअल सिम आपको मिलेगा, दोनों 4G सपोर्ट करेंगे, VoLTE भी सपोर्ट करेंगे, तो आपको इसमें 4G यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर अदर फीचर में देखा जाए तो इसमें सिर्फ 2 ही सेंसर है, एक्सेलेरोमीटर है, प्रॉक्सिमिटी है, और इसमें FM रेडियो आपको मिलेगा। और बात करते हैं इसकी, ये आपको 2 वेरिएंट में मार्केट में मिलेगा, वाइट और ग्रे कलर का, और इसमें 1900 mAh की बैटरी है। तो अगर बात करते हैं 4.5 इंच के डिस्प्ले साइज़ पे, तो 1900 mAh की बैटरी काफ़ी अच्छी है, और आपको पूरे एक दिन का बैकअप मिल जाएगा इसमें मॉडरेट यूज़ करने में। तो दोस्तों, अगर बात करते हैं मोबाइल ख़रीदने लायक है कि नहीं है, तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं अपने ओपिनियन से बता रहा हूँ, और एक ट्रू ओपिनियन है कि अगर आप म्यूजिक लवर हैं, तो आप इस सेट को
आँख बंद करके परचेस कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि अच्छी स्किन की क्लैरिटी मिले तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि अच्छी सेल्फी लें, अच्छी सेल्फी लें और कैमरा अच्छा हो, तो हालांकि 5 ही मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का कैमरा है इसका, बट इतना अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, 5 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के हिसाब से काफ़ी अच्छा कैमरा इसका है। और बात करते हैं इसमें 16 GB आपको इंटरनल मिल जाएगा, ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो दोस्तों 7,000 7,500 के रेंज में आपको 4G मोबाइल मिल रहा है और अच्छी म्यूजिक क्लैरिटी मिलेगी, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों और भी ज़्यादा डिटेल जाननी होगी तो आप mobifeature.com पे विजिट करिए, यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी और सारी डिटेल आपको जो भी इसका स्पेसिफिकेशन है आप दे सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू एंड जय हिंद।